आगामी 6 अप्रैल को आईटीआई मंडी में एक कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंपस इंटरव्यू के तहत ऑटोमोबाइल सेंटर में काम करने वाली हरियाणा रोहतक की एशियन कंपनी युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। आईटीआई मंडी में कैंपस इंटरव्यू का सिलसिला निरंतर जारी है। इस कैंपस इंटरव्यू के तहत युवाओं को देश भर की नामी कंपनियां रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में 6 अप्रैल को ऑटोमोबाइल सेंटर में काम करने वाले हरियाणा रोहतक की एशियन कंपनी आईटीआई मंडी में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन करने जा रही है। ये कंपनी एनएम के तहत आगामी 3 वर्षों के लिए 200 आईटीआई होल्डर्स युवाओं को ट्रेनिंग के तौर पर सिलेक्ट करेगी। 3 साल का प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और साथ ही स्थायी रोजगार भी दिया जाएगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आईटीआई मंडी के प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि इस कैंपस इंटरव्यू को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से आईटीआई मंडी में देश की नामी कंपनियां समय-समय पर रोजगार मेले व कैंपस इंटरव्यू का आयोजन करती आ रही हैं, जिससे आईटीआई होल्डर्स सैकड़ों युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान हो रहे हैं। इस 6 अप्रैल यानी कि 6 अप्रैल 2018 को आईटीआई मंडी के कैंप्स में रोहतक स्थित कंपनी जो कि एशियन ऑटोमोबाइल के नाम से मशहूर है और जितनी भी गाड़ियां हिंदुस्तान में बनती हैं उनके जो है जो डोर लॉक होते हैं कार के उसको बनाने के लिए कंपनी का बहुत बड़ा नाम है। यह कंपनी आईटीआई मंडी में 200 पद भरने जो है यहां आ रही है और कंपनी को 18 से 25 साल तक के मिनिमम एज जो है 18 इयर्स और मैक्सिमम एज 25 इयर्स एसएल उम्मीदवार चाहिए जिन्होंने आईटीआई लगभग इंजीनियरिंग ट्रेड जितने भी होते हैं आईटीआई के मोटर मैकेनिक वेल्डर फिटर टर्नर मशीनिस्ट इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक रेफ्रिजरेशन ये सब टूल एंड टाई मेकर्स पेंटर्स जितने भी ट्रेड हैं इन सभी में कंपनी को जो है आईटीआई पास आउट जिन्होंने आईटीआई पास कर लिया ऐसे उम्मीदवार चाहिए 6 अप्रैल को आईटीआई मंडी में सुबह 10 बजे उपस्थित हो जाए। साथ में 6 पासपोर्ट कॉपियां आधार कार्ड पैन कार्ड और कोई भी आइडेंटिटी के लिए कोई भी फोटोग्राफ्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ भी और जो है साथ में बैंक अकाउंट की जो है वो नंबर साथ लेके।